हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक अरेबियन डम्पलिंग है, लुकाई मग। ये बनाने में बहुत ही सिंपल एंड इजी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये ना बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 125 ग्राम। मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आप एक काम कर सकते हैं, 1/2 किलो का मैदा का पैकेट लेके ना अपने कप से मेजर कर लीजिएगा तो 125 ग्राम मिल जाएगा। ये टेबलस्पून मैंने लिया है, स्टील का जो टेबलस्पून होता है ना, इससे ये थोड़ा बड़ा है। इसे स्टील का टेबलस्पून से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने शुगर डाला है, होल शुगर। 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर इसमें डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। 1 टीस्पून मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है, ये जो एक्टिव ड्राई ईस्ट है ना वो मैंने लिया है। रोज वाटर में ना 1/2 टीस्पून थोड़ा सा डाल रही हूँ, अगर है तो आप डालिए, नहीं तो नहीं। मैं 1 पिंच सेफ्रन को ना थोड़ी सी वार्म वाटर में भिगो के रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब मैं इसे भी ना इसमें डाल दूंगी मैदे में। मैं सब कुछ मिला दूंगी। आप मैंने 1/2 कप वार्म वाटर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके ना मैं इसे मैदे में मिलाऊंगी ताकि मैं एक बैटर जिसे बना सकूं। मैं अब हाथ से ना इसे अच्छी तरह से फेंट लूंगी ताकि कोई लम्स ना इसमें रह जाए। बैटर ना ऐसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं, जैसे मैंने हम लोग पकौड़े बनाते हैं ना, ऐसे एक बैटर होना चाहिए। मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे 1 घंटा के लिए ना प्रूव होने के लिए रख दूंगी, ढक के रख दूंगी मैं इसे। शुगर सिरप के लिए मैंने 3/4 कप शुगर लिया है, 3/4 कप पानी लिया है, इक्वल अमाउंट ऑफ पानी एंड शक्कर। शुगर को लो हीट में कंटिन्यूअसली स्टार करके ना मैं मेल्ट कर लूंगी। मेरा शुगर मेल्ट हो गया है। अब इसे मीडियम हीट पे ना एक उबाल आने के लिए मैं रख दूंगी। मेरा सिरप में उबाल आ गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें 3 से 4 इलायची का ना मुंह खुल के इसमें डाल दूंगी और इसे ना लो हीट में 7 से 8 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने सिरप को रख दिया था। मेरा सिरप हो गया है। अब मैं इसमें ना 1 टीस्पून लेमन जूस मिलाऊंगी। इससे क्या होगा ना, सिरप में एक सुंदर सा स्मेल भी आएगा और सिरप का टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं सिरप को ना गैस से उतार दूंगी। मेरा शुगर सिरप हो गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के बाद ना ये बहुत अच्छी तरह से राइज हो गया है। एक्चुअली अभी गर्मी के टाइम है ना, इसीलिए राइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन विंटर के सीजन में ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब मैं इसे क्या करूंगी, हाथों से थोड़ा अच्छी तरह से मिला दूंगी। मैंने कढ़ाई में ना ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं अब बैटर को ना थोड़े थोड़े करके ना ऑयल में डाल दूंगी, जैसे हम पकौड़ा करते हैं ना ऐसे, बाद में ये फूल जाएगा। मैं इसे ना मीडियम हीट पे तल लूंगी। अब थोड़ा सा बार बार मैं इसे ऊपर नीचे करके दूंगी ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए धीरे धीरे से ना इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए कितने अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, कितने बढ़िया सा कलर आया है। अब मैं इसे ना नीचे उतार दूंगी। मैं अब ना इस डम्पलिंग को ना सर्व करूंगी, इसलिए कुछ डम्पलिंग को ना मैंने प्लेट में रख दिया है। एक्चुअली इसे ना शुगर सिरप या डेट सिरप से खाया जाता है, तो मेरे पास बंगाल का एक फेमस गुड़ होता है ना, लिक्विड गुड़, नॉलेन गुड़, तो मैं इससे सर्व करूंगी। इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये जो गुड़ है ना, ये बंगाली स्वीट शॉप में मिल जाता है। विंटर सीजन में ये बहुत ज्यादा मिलता है। बाद में एक्चुअली जो स्वीट शॉप है ना, ये फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और क्या है ना, ये जो गुड़ है आप बहुत सारे चीजों में आप यूज कर सकते हैं, जैसे बंगाली स्वीट्स बनाने में या खीर में या कोई आप आइसक्रीम के टॉपिंग करके भी आप डाल सकते हैं इसे।
कुछ स्लाइस्ड आलमंड को ना स्प्रिंकल करके मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। दूसरे प्लेट में ना मैं और कुछ डंपलिंग ले लूंगी। और जो मैंने शुगर सिरप बनाया था ना वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इस डंपलिंग को ना शुगर सिरप में डिप मत कीजिएगा, इसे सिरप को सिर्फ ड्रिजल करके दे दीजिए, नहीं तो ये सोगी हो जाएगा। ये ऊपर से थोड़ा सा क्रस्टी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। आपको अगर डेट सिरप मिल जाए ना तो ये वो यूज कीजिएगा। डेट सिरप से भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, ऐसे शुगर सिरप से भी ये खाया जाता है। मैंने सर्व कर लिया है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम डिफरेंट रेसिपी, आपको अच्छा लगेगा। मैं बीच में से एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट है। ये गरम गरम ही सर्व कीजिएगा। मैं इसके अंदर ना आपको थोड़ा सा सिरप ऐसे ढाल के दिखाती हूँ, तो अंदर ना सॉफ्ट हो जाएगा और भी ज्यादा। ऐसे ना बीच में से ऐसे तोड़ के ना सिरप ढाल के भी खा सकते हैं, तो भी अच्छा लगता है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।